दोस्तों लेके आया आपके लिए मंथ अप्रैल एंड की सबसे पॉपुलर वीडियो। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि आपको अगले महीने मतलब सितंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। जी हां फ्रेंड्स, ये दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होती है हमारे चैनल पर और आप लोगों का हमें बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता है। वेल, अगर आप भी कोई एक स्मार्टफोन खरीदने वाले देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देख सकते हैं क्योंकि आपको पता चलेगा वो ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। वेल, वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो हम सब्सक्राइब के बटन को साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार अपना फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो बिल्कुल कंफर्म है कि आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा, जी फ्रेंड्स, वो आता है सैमसंग कंपनी की तरफ से सर हमारा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51। जी फ्रेंड्स, इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं Amazon पर टीजर भी आ गया है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो इसका बैटरी। यहाँ पे दोस्तों आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, 64 MP का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। उतना ही दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको बिंदी नोच वाले डिस्प्ले देखने को मिलेगी, चाहे इसे आप नोच कहिए या दोस्तों इसे आप पंच होल कहिए। दोस्तों ओवरऑल धमाकेदार स्मार्टफोन होने वाला है और आपको दोस्तों ये सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी का स्मार्टफोन आता है जो आता है रियलमी की तरफ से, इसका नाम है दोस्तों Realme 7 और Realme 7 Pro। ये दो स्मार्टफोन आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। इनका दोस्तों फ्लिपकार्ट पर टीजर भी आ गया है। इन स्मार्टफोन की दोस्तों खास बात होने वाली है वो इनका चार्जर। यहाँ पे दोस्तों आपको 65 वाट का अभी तक का इंडिया का सबसे फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, कंपनी का कहना है कि 3 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों आपका फोन तकरीबन 3.5 घंटे के चलाने के काबिल हो जाएगा। मतलब आप 3 मिनट अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए और 3.5 घंटे आप अपने मोबाइल को यूज भी कर सकते हैं। सोचो कितना ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पर दोस्तों Realme 7 की जो प्राइस बताई जा रही है वो 13 से 14 हजार रुपए है। वही दोस्तों Realme 7 Pro की जो प्राइस बताई जा रही है वो दोस्तों 17 से 18 हजार रुपए है। ये दोस्तों जब भी आएंगे तब मैं आपको जरूर से इन स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे तो मेरी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी दोस्तों फ्लिपकार्ट पर इनका टीजर भी आ गया तो वहां से भी जा करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको Infinix की तरफ से भी स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे सितंबर के महीने में, जहां पे दोस्तों Infinix 7 और Infinix 7 Lite। Infinix 7 Lite की प्राइस दोस्तों मैं आपको बता दूं 7 से 8 हजार रुपए होने वाली है। वही दोस्तों Infinix 7 की प्राइस दोस्तों होने वाली है वो तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए की होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी जो लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.95, मतलब आप कह सकते हैं तकरीबन 7 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों आपको पता है कि Infinix के जो भी स्मार्टफोन आते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के आते हैं, तो अगर आपको कोई Infinix का स्मार्टफोन चाहिए जिसका दोस्तों डिस्प्ले बड़ा हो तो आप डेफिनेटली Infinix 7 सीरीज में से एक स्मार्टफोन ले सकते हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आने में काफी ज्यादा लेट हो गया, काफी दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे लेकिन अभी तक नहीं आया। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ Redmi K30 Pro के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अब बताया जा रहा है कि आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों Qualcomm Snapdragon 865 वाला प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। 6.67 इंच की यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी और ये डिस्प्ले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका फ्रंट कैमरा वो पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि अंडर 30 के मतलब 30,000 रुपए के नीचे ये सबसे पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ आएगा। जी फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक और रूमर्स ये भी है कि ये इंडिया में आएगा तो हो सकता है Poco F2 Pro के नाम से आए, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि चाइना में लॉन्च होगा तो Redmi K30 Pro के नाम से और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा Poco F2 Pro के नाम से। बाकी जब भी आएगा तो इसके बारे में जरूर से पता लग ही जाएगा। और दोस्तों Asus भी अपनी सीरीज लेकर के आ रहा है 7 सीरीज, जहां पर दोस्तों Asus Zenfone 7 और Asus Zenfone 7 Pro जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इनकी खासियत ये है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Zenfone 6 आया था उस टाइप के ही इसमें कैमरे देखने को मिलेंगे फ्लिप कैमरे, लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे फ्लिप वाले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको बताया है कि Zenfone 6 में फ्रंट का कैमरा नहीं था और वैसे ही दोस्तों इसमें भी फ्रंट का कैमरा नहीं है, मतलब बैक के कैमरे से ही आप फ्रंट का कैमरा यूज करेंगे और दोस्तों बैक का भी कैमरा यूज करेंगे। मुझे दोस्तों मैं आपको बता दूं पर्सनली ये Zenfone 7 सीरीज जो हो रही है वो बहुत ज्यादा तगड़ी लगने वाली है, क्योंकि Zenfone 6 बहुत ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन था
तो आप समझ सकते हैं Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro कैसे होंगे। बस अब देखना ये है कि अगर ये 30,000 रुपए के नीचे आते हैं तो मार्केट को हिला देंगे, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, ये 40,000 रुपए से ऊपर ही आएंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है Zenfone 7 सीरीज के बारे में, आप हमें जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों Oppo के भी आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे सितंबर के महीने में, Oppo 17 और Oppo 17 Pro। ये दोस्तों मैं बता दूं इस साल के सबसे पतले स्मार्टफोन होने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको बहुत ज्यादा पतला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए Oppo का ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगे। जहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेंसर दिया गया है। और एक चीज दोस्तों आपको बताइए, अच्छे तरीके से Oppo है वास्तविक दोस्तों कैमरे के लिए ही जाना जाता है। अब आपको देखना ये है कि इसकी जो पतली जो होने वाली है बॉडी, जिसकी वजह से दोस्तों बैटरी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। यहाँ पे दोस्तों 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब सेट जो है मोबाइल पतला होगा तो बैटरी थोड़ी सी पतली होगी। ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं ये, बैटरी को घटा रहे हैं जबकि बढ़ानी चाहिए। वही दोस्तों सैमसंग को देखिए, सैमसंग कहाँ पहुंच चुका अब तक 7000 mAh की बैटरी के साथ, क्या कर रहे हो वाले, समझते हैं। और दोस्तों Vivo भी अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, Vivo Y20 और Vivo Y20i, जहां पे दोस्तों Qualcomm Snapdragon 460 का इनका प्रोसेसर होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी जो प्राइस है वो Vivo Y20 की प्राइस है वो है 10,000 रुपए, वही दोस्तों Vivo Y20i की जो प्राइस होने वाली है वो 12,000 रुपए के आसपास होने वाली है। मतलब आप कह सकते हैं ये बजट रेंज के स्मार्टफोन होंगे। अगर आपको कोई बजट वाला स्मार्टफोन चाहिए 10,000 रुपए की प्राइस में, वो भी Vivo का, तो डेफिनेटली आप इन दोनों में से एक स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि Nokia भी सितंबर के महीने में अपने काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जहां पे वो लॉन्च करेगा Nokia 6.3, Nokia 7.3, Nokia 8.3 ऐसे स्मार्टफोन। और ऑब्वियसली दोस्तों पता है कि Nokia जब भी आता है तो एक बवाल मचा देता है, बस थोड़ी सी प्राइस महंगी होती है उनकी, इस वजह से वो कम चल पाते हैं। लेकिन प्राइस अगर थोड़ी सी सस्ती करें तो ये सच है दोस्तों, आज भी Nokia के मुकाबले मेरे हिसाब से मुझे कोई स्मार्टफोन नहीं लगते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों आप क्या समझते हैं स्मार्टफोन को लेकर के बाकी अदर कंपनी में, लेकिन मैं दोस्तों Nokia का पर्सनली फैन हूँ। और एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि Nokia इस टाइम पर ज्यादा हिट रहेगा, क्योंकि बाकी के जो कंपनी है चाइनीज कंपनी को लोग कम परचेस कर रहे हैं, वो इस टाइम पर Nokia आएगा तो डेफिनेटली बाजी मार के ले जाएगा। आपका क्या हाल है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में उसने मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको स्मार्टफोन बताया है सितंबर के महीने में आने को है डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइए कि आप किस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहेंगे, कमेंट जरूर कर देना। मेक श्योर इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो रेड वाले बटन को ठोंक दो और ग्रे कर दो, साथ में घंटी को भी ऑन कर देना। मैं अगेन कह रहा हूँ, फिर मिलूंगा ऐसी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।